हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सबका स्वागत है सिद्ध अकेडमी पर। दोस्तों आज हम अगेन स्टार्ट करने जा रहे हैं आरपीसी सेकंड ग्रेड शिक्षक भर्ती तृतीय पेपर मैथ्स द्विघात समीकरण टॉपिक हमने स्टार्ट कर लिया था। दोस्तों इससे पहले हम कुछ बातें करना चाहेंगे, तो इस प्रकार से यदि कोई भी व्यक्ति आपको गुस्सा दिलाने में सफल हो जाता है तो इसका मतलब यह है दोस्तों कि आप उस व्यक्ति के हाथों की कठपुतली हैं। तो दोस्तों कहना का मतलब ये है आप किसी भी व्यक्ति के ऊपर विशेष तौर से किसी भी प्रकार की टिप्पणी ना करें उसको, या फिर मैं कह सकता हूँ किसी भी व्यक्ति से आप टिप्पणी भी ना सुने जैसे कि आप उनके हाथों की कठपुतली बन जाए। दुनिया दोस्तों, दुनिया जैसे चलती है वैसे चलने दीजिए, आप अपने हिसाब से चले, ठीक है। आप किसी की प्रकार की आलोचना ना तो सहें और ना करें, ठीक है। तो दुनियादारी है, दुनियादारी के हिसाब से रहें, ठीक है। तो आज बात करेंगे हम द्विघात समीकरण के बारे में। कल कुछ हमने बताया था जिसके अंदर उसके मूल निकालने के बारे में बताया था, उसके मूलों की प्रकृति के बारे में बताया था, ठीक है। उनसे रिलेटेड जो हमारे मूलों की प्रकृति से रिलेटेड यहाँ पे मैं जो m की वैल्यू उसके लेंथ के बारे में बताया था, m की वैल्यू किस प्रकार से रहेगी, m के जो भी, ठीक है दोस्तों। तो आज हम बात करेंगे द्विघात समीकरण और द्विघात समीकरण के जो हमारे मूलों का योग या गुणन से रिलेटेड जो क्वेश्चन बनते हैं उसके बारे में, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे द्विघात समीकरण और द्विघात समीकरण का तो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो होता है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे मैं बात करना चाहूँ कि इसके जो यहाँ पे हमारे पास इसके मूलों का जो योग रहता है दोस्तों वो किस प्रकार से रहता है। यहाँ पे लिख रहा है मूलों का योग, ठीक है। और मूलों का योग दोस्तों हमेशा ध्यान रखना है माइनस का बी बटा ए, और आप बचपन से इसको पढ़ते आ रहे हो, ठीक है दोस्तों। मूलों का गुणन, ठीक है, यहाँ पे मैं बात करूँ दोस्तों मूलों का गुणन प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, और मूलों का गुणन किस प्रकार से रहता है दोस्तों यहाँ पे अगर बात करें तो वो होता है सी बाई ए, ठीक है दोस्तों। मूल अगर अल्फा और बीटा हो तो, यदि मैं बात करूँ आगे नेक्स्ट, यदि मूल क्या रहे दोस्तों यहाँ पे अल्फा व बीटा होने पर, ठीक है, अल्फा और बीटा होने पर मूलों का योग यानी कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस का बी बटा ए, और मूलों का गुणन दोस्तों यहाँ पे रहता है हमारे पास सी बटा ए, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारे पास ये रहेगा। अगर यहाँ पे मैं एक एग्जांपल्स की बात करता हूँ दोस्तों तो किस प्रकार से रहेगा यहाँ पे एग्जाम्पल्स, यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों समीकरण देर का हमें तीन एक्स स्क्वायर पांच एक्स माइनस चार बराबर जीरो, और यहाँ पे मुझे अगर मूलों का योग निकालना दोस्तों, क्या निकालना है मूलों का योग, ठीक है। और हमें पता है ए बी सी क्या है दोस्तों, देट यहाँ पे मूलों का योग माइनस का बी बटा ए, देट मीन्स यहाँ पे माइनस का बी की वैल्यू माइनस पांच, देट पांच बटा ए, इसका मूल पांच बटा तीन, ए की वैल्यू क्या देगी दोस्तों तीन, एंड मूलों का जो गुणन है मूलों का गुणन, ठीक है। और मूलों का गुणन क्या रहेगा दोस्तों, अगर मैं बात करना चाहूँ तो सी बटा ए, सी वैल्यू देगी माइनस का चार बटा ए की वैल्यू क्या देगी दोस्तों तीन देगी, ठीक है। इस प्रकार से हमारे पास ये रहेंगे। अगर यहाँ पे मैं दोस्तों एक और क्वेश्चन ले लेते हैं साथ, ठीक है, इसके साथ में एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, यहाँ पे हमारे पास अभी जगह है, ठीक है। तो इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, ठीक है दोस्तों, फिर बाद में इसके बाद इसके जो क्वेश्चन है उसके बात करेंगे, ठीक है। तो देखते दोस्तों, आई थिंक आपने साथ में कर लिया होगा इसका, ठीक है, और साथ में कर लेना, ठीक है दोस्तों। और अगर समझ में नहीं आता तो मुझे प्लीज कमेंट करके बता सकते हो, सर यहाँ से मुझे वापस बताइए, वैसे अभी हमारे पास क्लासेस लाइव नहीं चल रही है लेकिन आप कमेंट करके बता सकते हो, ठीक है, आपका जो प्रॉब्लम से 100% सॉल्व होगी। तो नेक्स्ट बात करें दोस्तों इसके आगे, और इसके आगे हमारे पास एक इक्वेशन दे रखी है, उसके हम इक्वेशन से रिलेटेड इक्वेशन पूछ रहे हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे मैं कह रहा हूं दोस्तों द्विघात समीकरण है दोस्तों ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो के मूल एक दूसरे के व्युत्क्रम होंगे
यदि, और यदि में यहाँ पे दोस्तों चार ऑप्शन है, वो किस प्रकार से, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए ए इज इक्वल टू बी, बी इज इक्वल टू यहाँ पे ले लेता हूँ, या फिर मैं बी प्लस सी इज इक्वल टू जीरो ले लेता हूँ, ऑप्शन नंबर सी ले लेता हूँ, ए प्लस सी या फिर ले लेता हूँ ऑप्शन नंबर डी ए इज इक्वल टू सी, इस प्रकार से मैंने चार ऑप्शन लिए। और हमें ये बताना दोस्तों यहाँ पे द्विघात समीकरण दे दिए, ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म ये कि मूल एक दूसरे के युत्क्रम होंगे। अब देखो यहाँ पे दोस्तों इसका आंसर किस प्रकार से निकाल लें, यहाँ पे मूल युत्क्रम होंगे, युत्क्रम का मतलब क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे युत्क्रम जैसे मूल यहाँ पे अल्फा और बीटा होता है, जैसे यहाँ पे मैं कह रहा हूँ अल्फा, अल्फा का युत्क्रम वन अपॉन अल्फा ये होता है दोस्तों, अल्फा का युत्क्रम क्या होता है वन अपॉन अल्फा होता है, या बीटा, बीटा का युत्क्रम वन अपॉन बीटा होता है, ठीक है, तो जो भी रहे, ठीक है, दैट मीन्स यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों मूलों का गुणन, यहाँ पे कह रहा हूँ मैं मूलों का गुणन, ठीक है, और मूलों का गुणन यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, यानी कि अगर अल्फा एंड वन अपॉन अल्फा रहे, इन दोनों का मैं गुणन करता हूँ, दैट ये वन के इक्वल रहेगा, अल्फा से अल्फा कट जाएगा तो एक एक को रहेगा रहेगा, ठीक है दोस्तों, दैट मूलों का गुणन यहाँ पे क्या होता है दोस्तों, सी बाई ए होता है, अकॉर्डिंग टू दिस सी बाई ए होता है, और इसका गुणन यहाँ पे ए के बराबर, ए के बराबर, दैट यहाँ पे सी इज इक्वल टू क्या रहेगा, ए रहेगा, या फिर मैं कह सकता हूँ ए इज इक्वल टू सी, और ऑप्शन नंबर डी हमारे पास क्या रहने वाला है दोस्तों, करेक्ट रहने वाला है, ठीक है, तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को हम कर सकते हैं, आपको इस पर डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें इसके बाद वो किस प्रकार से रहेगा, देखो दोस्तों देखते हैं यहाँ पे, यहां पे कह रहा है यदि या समीकरण, यहां पे लिख रहा हूं समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो के, जीरो के दोनों मूल, द्विघात समीकरण के जो मूल है दो है, दोनों मूल यहां पे दे रहे हैं, दोनों दोनों मूल धनात्मक होंगे, यहां पर लिख रहा हूं दोस्तों धनात्मक होंगे, ठीक है, दोनों मूल क्या रहेंगे दोस्तों धनात्मक होंगे, इसका ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन दे रहे इसके, ऑप्शन नंबर ए लिख रहा हूं, ए बी सी तीनों समान चिन्ह के हो, ए बी व सी तीनों समान चिन्ह के हो, समान चिन्ह के हो, चिन्ह के हो, फर्स्ट ऑप्शन है, ठीक है दोस्तों। सेकेंड ऑप्शन हमें कह रहा है यहाँ पे, मैं कह रहा हूं ए और बी समान चिन्ह, ए ए बी समान चिन्ह, समान चिन्ह तथा सी विपरीत चिन्ह, विपरीत चिन्ह, ठीक है, यहां चिन्ह के हो, ठीक है, शॉर्ट में लिख देता हूं चिन्ह। नंबर सी यहां पे ऑप्शन लिख रहा हूं दोस्तों, ए व बी, ए व सी समान चिन्ह, समान चिन्ह तथा डी ए बी विपरीत चिन्ह, विपरीत चिन्ह, ठीक है, और डी ऑप्शन ले रहा दोस्तों, यहां पे लिख देता हूं नन ऑफ दिस, ठीक है, नन ऑफ दिस, इस प्रकार से क्वेश्चन दे रखा है। तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी स्टैंडर्ड फॉर्म ही है, और इसका हमें बताना है जो मूल धनात्मक होंगे, अब धनात्मक कब होते हैं, मूलों का योग, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ दोस्तों सोल्व करने की कोशिश कर लेता हूँ इसको, और यहाँ पे लिख रहा हूँ मूलों का योग, और मूलों का योग यहाँ पे मूलों का योग की बात करता हूँ तो ग्रेटर देन टू जीरो, धनात्मक दे रखा मूल तो दोनों को जोड़ेगा ग्रेटर देन टू जीरो, जीरो से बड़े होंगे दोस्तों। एंड नेक्स्ट बात कर रहा हूँ यहाँ पे मूलों का योग धनात्मक, ठीक है, एंड अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, या फिर मैं डायरेक्ट करता हूं अल्फा प्लस बीटा नहीं करके माइनस का बी बटा ए इज ग्रेटर देन टू जीरो, ठीक है, ये माइनस दे रहेगा माइनस को हटाऊंगा इधर तरीके से कहा जाएगा ये साइन इज ग्रेटर देन टू लेस देन हो जाएगा, बी बाई ए इज लेस देन टू जीरो, इसका मतलब क्या है दोस्तों, इसका मतलब क्या है यहाँ पे बी बाई ए इज लेस देन टू जीरो, यानी बी बाई ए यानी इनको बात देंगे तो यहाँ पे जीरो से छोटी वैल्यू, जीरो से छोटी माइनस में, ठीक है दोस्तों, इसका मतलब यहाँ पे ए यदि माइनस में है तो बी पॉजिटिव होगा, एक नेगेटिव
एंड बी बाई ए, यदि ए यदि पॉजिटिव है तो बी माइनस होगा, यानी बी पॉजिटिव ए माइनस का होगा। ठीक है दोस्तों, यहां पे मैं फर्स्ट लिख देता हूं, मैं यदि यदि ए पॉजिटिव है हमारे पास, ए किसमें दोस्तों पॉजिटिव है, तब जो बी है वो क्या रहेगा, बी नेगेटिव रहेगा। ठीक है, बी क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा, ये चीज आपको ध्यान रखनी। ठीक है, और सेकेंड कंडीशन बताइए दोस्तों, यदि ए नेगेटिव है, ए क्या दोस्तों नेगेटिव, तब बी क्या रहेगा यहाँ पे, बी क्या रहेगा यहाँ पे पॉजिटिव, ये चीज रहेगी, ये चीज आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे बी बाई ए इज लेस देन जीरो दे रखा है, यानी लेस देन जीरो जीरो यानी कि माइनस की वैल्यू रहेगी, यानी ए यदि पॉजिटिव है तो बी नेगेटिव, और बी पॉजिटिव तो ए नेगेटिव, बी यदि पॉजिटिव है तो ए नेगेटिव रहेगा। ठीक है दोस्तों, सेकंड कंडीशन यहाँ पे, यानी यहाँ पे तो देख सकते हैं यहाँ पे ए बी विपरीत चिन्ह के, ए और यहाँ पे जो अकॉर्डिंग टू दिस ऑप्शन ए बी समान चिन्ह या ए सी समान, अभी यहाँ पे कोई क्लियर नहीं मिल रहा है। ठीक है, ए और बी विपरीत चिन्ह के। ठीक है, सेकेंड जो हमारे पास तो मूलों का गुणन, यहाँ पे लिख रहा हूँ मूलों का गुणन, मूलों का गुणन, और मूलों का गुणन धनात्मक मूल है, धनात्मक मूलों के लिए जो गुणा रहेगा वो भी क्या रहेगा दोस्तों, ग्रेटर देन टू जीरो रहेगा। एंड यहाँ पे लिख रहा हूँ सी बाई ए इज ऑल्सो ग्रेटर देन टू जीरो, ऑल्सो ग्रेटर देन टू जीरो, दैट मीन्स यहाँ से हम क्या डिस्कस निकाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, यानी कि यहाँ पे मैं ग्रेटर देन टू जीरो, दैट यहाँ पे मैं कह सकता हूँ सी ओ, यानी कि यहाँ पे सी व ए, सी व ए समान चिन्ह के होंगे, समान चिन्ह, यानी यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि या तो धनात्मक होंगे या ऋणात्मक होंगे, सी और ए, क्योंकि हम ग्रेटर देन जीरो, अगर यहाँ पे दोनों में धनात्मक लेता हूं तो यहाँ पे सी में ए का भाग है तो धनात्मक की वैल्यू आएगी, अगर माइनस माइनस लेता हूं दोनों ऋणात्मक, माइनस सी माइनस ए, देन माइनस माइनस कैंसिल, ओके यहाँ पे अगेन यहाँ पे धनात्मक क्या आएगा, एंड ग्रेटर देन टू जीरो आएगा, दैट मींस यहाँ पे या तो सी और ए समान चिन्ह के होंगे, और जो यहाँ पे हमारे पास बी और ए के बारे में यहाँ पे हमें कुछ नहीं बताया जा रहा। ठीक है, एंड सी और ए समान चिन्ह के होंगे हमें पता है, सी और ए समान चिन्ह के, और जो हमारे पास ये ऑप्शन नंबर मैं कह सकता हूँ दोस्तों सी वाला टाइप, ए और सी समान चिन्ह के, सी और ए या ए और सी, ठीक है, समान चिन्ह या तो धनात्मक या ऋणात्मक होंगे, जो बी है वो क्या हो जाएगा दोस्तों हमारे पास बी हो जाएगा, वो विपरीत चिन्ह का हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, विपरीत चिन्ह का हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हम ऐसा देख, ए अगर पॉजिटिव है तो बी नेगेटिव, और ए नेगेटिव है तो बी पॉजिटिव। ठीक है, लेकिन ये तो दोनों हमारे पास कंफर्म है, ये दोनों समान चिन्ह के होंगे। ठीक है दोस्तों, ए और सी तो समान चिन्ह के हैं, लेकिन बी यहाँ पे कंफर्म नहीं है, धनात्मक भी हो सकता है ऋणात्मक, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट वाला। ठीक है दोस्तों, इसी टाइप का एक और क्वेश्चन है जो मैं करवा रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, देखो यहाँ पे थोड़ा सा चेंजेस करूंगा, यहाँ पे यहाँ से मैं मिटा देता हूँ, इसी टाइप का क्वेश्चन है, ज्यादा कुछ भी चेंजेस नहीं है। ठीक है, ये मैंने मिटा दिया, और यहाँ पे धनात्मक की जगह मैं ऋणात्मक लिख देता हूँ। ठीक है, तो देख लीजिए यहाँ पे, ठीक है, ये सी ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी में यहाँ से जोड़ देता हूँ, और ऑप्शन नंबर डी क्या कह रहा है, बी व सी, बी व सी समान चिन्ह के, समान चिन्ह तथा तथा ए विपरीत चिन्ह, विपरीत चिन्ह। ठीक है दोस्तों, विपरीत चिन्ह, और यहां पे लिख देता हूं मैं ऋणात्मक। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्या कह रहा है दोस्तों, ये समीकरण एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी के दोनों मूल ऋणात्मक होंगे, दोनों मूल अब की बार के पहले धनात्मक थे, अब की बार ऋणात्मक है, ऑप्शन वही रखे मैंने, डी वाला चेंज कर दिया, बी व सी समान चिन्ह तथा ए विपरीत चिन्ह। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से हमारे पास एग्जाम में भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं और आए हुए हैं। ठीक है, बट वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है दोस्तों, देट यहाँ पे हमें कह रहा दोनों मूल ऋणात्मक होंगे। ठीक है, तो मूलों का योग, सबसे पहले यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं मूलों का योग। देखो यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों, यहाँ पे लिखते हैं मूलों का योग, और मूलों का योग, ठीक है, और मूल कैसे दे रखे, ऋणात्मक दे रखे, दोनों को जोड़ेंगे तो भी ऋणात्मक ही आएगा, दोनों क्या आएंगे दोस्तों, ऋणात्मक आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास लेस देन टू जीरो, लेस देन टू क्या रहेगा दोस्तों, जीरो रहेगा, यानी अल्फा प्लस बीटा, या फिर मैं कह सकता हूँ दोस्तों अल्फा प्लस बीटा, यानी अगर अल्फा और बीटा दोनों ऋणात्मक, ऋणात्मक ऋणात्मक, माइनस में वैल्यू आएगी।
ठीक है, यानी यहाँ पे मैं कह सकता हूँ माइनस का बी बट्टा ए इज लेस देन टू जीरो, ठीक है बेटा। अब देखो दोस्तों नेक्स्ट, माइनस का बी बट्टा ए लेस देन टू, ये माइनस उसको हटा रहा हूं, बी बट्टा ए इज ग्रेटर देन टू जीरो, ऐसे रहेगा दोस्तों, ठीक है। अब यहाँ पे ग्रेटर देन टू जीरो यानी कि अगर यहाँ b बाई ए दे रखा है, यानी कि अगर b बाई ए में भाग दें, चाहे b बाई ए प्लस का है तो भी धनात्मक वैल्यू होनी चाहिए, और माइनस का b माइनस का a तो भी यहाँ पे धनात्मक वैल्यू होनी चाहिए, ठीक है। विपरीत चिन्ह के हमने ले सकते, दैट मीन्स यहाँ पे मैं कह सकता हूँ जो लास्ट सिचुएशन बनी थी वैसे वैसे, यानी a a तथा b, a तथा b या तो धनात्मक होंगे, या तो धनात्मक होंगे या ऋणात्मक होंगे, दोनों में से एक चीज रहेगी, ठीक है दोस्तों। किस प्रकार से हम कह सकते हैं या तो धनात्मक या ऋणात्मक, ठीक है। और मूलों का गुणन की बात करता हूं, ठीक है दोस्तों, यानी यहाँ पे देखो मूलों का गुणन, और मूलों का गुणन की बात करें, इससे पहले देखो दोस्तों ए और बी समान चिन्ह के, यहाँ पे कहना का मतलब या तो धनात्मक या ऋणात्मक, दैट मीन्स यहाँ पे ए बी समान चिन्ह के, यहाँ पे ए बी समान चिन्ह के, बी सी की अभी कंफर्म कंडीशन नहीं मिली, यहाँ पर भी देखो ए और सी, यहाँ पर ए बी समान चिन्ह, ये वाला तो होगा नहीं, बी और सी यहाँ पर भी नहीं हो रहा, ठीक है। ए बी देखो इसमें भी दे रहेगा, ए बी सी तीनों चिन्ह समान के, यानी कि यहाँ पर ए बी समान चिन्ह तथा सी विपरीत चिन्ह, और ए में ए बी सी तीनों समान चिन्ह के, ठीक है दोस्तों। तो देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट यहाँ पे मूलों का गुणन वो क्या है दोस्तों, यहाँ पे मूलों का गुणन इज ग्रेटर देन टू जीरो रहेगा, क्यों रहेगा दोस्तों ग्रेटर देन टू जीरो, क्योंकि माइनस माइनस को गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएगा, माइनस को माइनस के साथ गुणा करेंगे तो क्या रहेगा प्लस आ जाएगा, ठीक है। दैट मीन्स यहाँ पे इसका क्या रहेगा दोस्तों, यानी कि सी बाई ए इज ग्रेटर देन टू जीरो, सी बाई ए इज ग्रेटर, वापस अगेन वो कंडीशन बन रही है कि सी व ए समान चिन्ह के होंगे, या फिर मैं कह सकता हूँ या तो धनात्मक होंगे, ठीक है, पॉजिटिव होंगे या नेगेटिव होंगे, क्या होंगे या फिर नेगेटिव होंगे, ठीक है। दैट मीन्स यहाँ पे सी व ए भी समान चिन्ह के होंगे, सी व ए भी समान चिन्ह, ठीक है, यानी कि यहाँ पे कौन सा करेक्ट ऑप्शन लिख रहा है दोस्तों, यहाँ पर भी हमारे पास समान चिन्ह, ठीक है, यानी कि यहाँ पे मैं कह सकता हूँ ए तथा ए व बी समान चिन्ह, ठीक है, और बी और सी तथा ए भी समान चिन्ह, देखते हैं ऑप्शन नंबर पर कौन सा करेक्ट हो रहा है दोस्तों, ए वाला करेक्ट हो रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर ए हमारे पास क्या रहेगा दोस्तों, करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों इसके आगे, और इसके आगे जो क्वेश्चन है इसको एक बार जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, फिर बाद हम आगे वाले बात करेंगे, ठीक है। इससे रिलेटेड कुछ आइडेंटिटीज है दोस्तों, फॉर्मूले हैं, कांसेप्ट है, ठीक, उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो इसको कर ले दोस्तों, आई थिंक कर ले, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पे यहां पे लिख रहा हूं मैं सममित व्यंजक, ठीक है दोस्तों, सममित व्यंजक, सिमेट्री कांस्टेंट, ठीक है, और किस प्रकार से रहेंगे दोस्तों, ठीक है। और सममित व्यंजक के बारे में मैंने अच्छे से फॉर बीएससी इंजीनियरिंग वालों के लिए अलजेब्रा पढ़ी है दोस्तों, वहां पर आपका अच्छे से और भी क्लियर कर सकते हो, फॉर बेसिक टू हाई लेवल, मैंने ग्रेजुएशन वालों के लिए बताई थी फॉर यूपीएससी एंड ऑल्सो, ठीक है, तो वहां पर आप अच्छे से जाके इसको कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या होता है भैया, पहले इसके बारे में बात कर लेते हैं, यानी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे होता है दोस्तों अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस टू अल्फा बीटा, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से हमारे पास फॉर्मूले जो हमने पहले भी बनाने नॉर्मली सिखाई, ठीक है, अलजेब्रा के अंदर, लेकिन यहाँ पे ये द्विघात समीकरण के अंदर हम इसको यानी मूलों के बारे में, अल्फा बीटा के मूल है दोस्तों, ठीक है। और फिर बाद यहाँ पे नेक्स्ट बात कर रहा हूँ सेकेंड, अल्फा माइनस बीटा, अल्फा माइनस बीटा क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस फोर अल्फा बीटा, ठीक है। अंतर कितना है दोस्तों, यहाँ पे देखो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, यहाँ दो की जगह चार आ गया और अंडर रूट दे रहा है, वो
चलता रहे, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे ठीक है, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इज इक्वल टू, यहाँ पे होता दोस्तों, यहाँ पे हमारे पास अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस थ्री अल्फा बीटा, और यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, इस प्रकार से हमारे पास रहता है, ठीक है, इस प्रकार से हमारे पास क्या रहता है, यानी कि यहाँ पे नंबर फोर्थ है, यहाँ पे अल्फा की पावर फोर और बीटा की पावर फोर, फिर अगेन यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों अल्फा प्लस बीटा का होल पावर टू माइनस टू अल्फा बीटा, यानी कि वो वाली फर्स्ट वाली जो कंडीशन है दोस्तों, वो वाली पूरे एडिटेड आ रही है। अब इसका होल स्क्वायर माइनस का टू अल्फा बीटा का होल स्क्वायर, ठीक है दोस्तों, यानी कि ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। वैसे मैंने आगे भी हम इसके बहुत ज्यादा फॉर्मूला कराएंगे, अभी मैं चार ही करवा रहा हूँ, ठीक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे, लेकिन मैंने बताया था अभी जस्ट लाइक बीएससी और जनरल वालों के लिए, मैंने यूपीएससी वालों के लिए पूरा चैप्टर इससे रिलेटेड बहुत ज्यादा वीडियो इससे रिलेटेड मैंने द्विघात समीकरण से रिलेटेड लगभग लगभग अप्रोक्सीमेट मैं कह सकता हूँ दोस्तों 20 वीडियो बनाया है ऑलरेडी मैंने, ठीक है, तो वो आपको चाहिए अगर डिटेल से पढ़ना चाहते हैं तो देख सकते हैं, लेकिन अभी हमारे पास थी जरूरत नहीं है, तो अगर कोई कंसेप्ट है क्लियर करना चाहते हैं तो वहां से आप कर सकते हैं, ठीक है, प्लेलिस्ट में सारे वीडियो पड़े हैं दोस्तों अल्जेब्रा के, ठीक है, बीएससी इंजीनियरिंग वालों के लिए, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारे पास ये दे रखे हैं और इसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा, अल्फा बीटा, ठीक है, दोनों, यानी ये आपके पास मूलों का योग, मूलों का गुणनफल, ठीक है, अल्फा प्लस बीटा मूलों का योग, मूलों का गुणनफल, मूलों का योग गुणनफल, योग गुणनफल, इसमें कन्वर्ट किया हुआ, ठीक है दोस्तों, ये वाले फॉर्मूला है। तो इसको एक बार जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, फिर बाद में नेक्स्ट हम बात करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो देखते हैं यहाँ पे एक बार इसको उतार देते हैं, ठीक है दोस्तों, ये वाला मिटा देता हूँ मैं। नेक्स्ट बात कर रहा हूँ यहाँ पे इसके आगे जो क्वेश्चन है दोस्तों इससे रिलेटेड उसकी बात कर लेते हैं, ठीक है। क्या देखा क्वेश्चन हमें हमें कह रहा दोस्तों द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण तीन एक्स स्क्वायर माइनस पांच एक्स माइनस दो बराबर जीरो के मूल, के मूल अल्फा बीटा हो तो, अल्फा व बीटा हो तो अल्फा स्क्वायर, अल्फा की पावर फोर बीटा स्क्वायर प्लस, यहां पे मैं बात कर रहा हूं अल्फा स्क्वायर बीटा की पावर फोर की वैल्यू क्या रहेगी, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से क्वेश्चन दे रखा, उसको हमें इसका सॉल्यूशंस निकालना, ठीक है दोस्तों। दैट मींस यहां पे सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं इसमें जो मूलों का योग और मूलों का गुणनफल। सबसे पहले मैं लिख रहा हूं दोस्तों मूलों का योग अल्फा प्लस बीटा माइनस का बी बाई ए, दैट मींस यहां पे क्या रहेगा दोस्तों पांच बटा तीन हो जाएगा, क्या रहेगा पांच बटा तीन हो जाएगा, ठीक है। और मूलों का गुणनफल सी बाई ए, एंड यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों माइनस का दो बटा तीन हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से अब यहाँ पे हमें निकालना क्या है, अल्फा की घात चार बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर बीटा की घात चार, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। यहाँ से अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर में कॉमन ले रहा हूँ, अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर कॉमन लिया, ठीक है, दैट यहाँ पे बच रहा है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बच रहा है, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से हमारे पास ये बच रहा है, इसको अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गुणा में देंगे, दैट अल्फा प्लस अल्फा इनटू बीटा का होल स्क्वायर, ऐसे कर सकता हूँ। इसके जगह मैं क्या लिख सकता हूँ दोस्तों, देखो यहाँ पे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का होल, अभी भी मैंने बताया था अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस टू अल्फा बीटा, ठीक है, दैट यहाँ पे मैं कह सकता हूँ अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस टू अल्फा बीटा, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से हमारे पास रहेगा अल्फा प्लस बीटा यानी मूलों का गुणनफल माइनस का दो बटा तीन का होल स्क्वायर, एंड अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर यानी पांच बटा तीन का होल स्क्वायर माइनस दो इंटू माइनस दो बटा तीन, इस प्रकार से हमारे पास ये है। नेक्स्ट बात करें दोस्तों माइनस दो बटा तीन का होल स्क्वायर चार बटा नौ, एंड यहाँ पे अंदर क्या है पच्चीस बटा तीन, पच्चीस बटा नौ, एंड फिर बाद में माइनस माइनस प्लस और चार बटा तीन, इसको सॉल्व कर लेते दोस्तों चार बटा नौ, एंड यहाँ पे नौ नौ से नौ पच्चीस प्लस यहाँ पे तीन चार तीन बारह, दैट मीन्स यहाँ पे हो जाएगा सैतीस, और यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास लगभग सैतीस ना सैतीस
37 बट्टा यहाँ पे हमारे पास 9 इस मल्टीपल बाय 4 9 दैट मींस यहाँ पे 448 ठीक है 148 और ये 12 14 28 148 एंड यहाँ पे हो जाएगा 81 ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से हमारे पास ये क्या रहेगा इसका आंसर है ठीक है दोस्तों। कैलकुलेशन से और कुछ नहीं है और आपको कैलकुलेशन अच्छे से आती है ठीक है। इस प्रकार से क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों वो किस प्रकार से है और उसको भी हम सॉल्व करने की कोशिश कर लेते हैं। इसको जल्दी से आप एक बार इसके सॉल्व ले लेते हैं ठीक है, फिर बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन रहेगा उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। नेक्स्ट बात कर रहा हूं दोस्तों इसके आगे क्वेश्चन किस प्रकार से रहेंगे यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे ठीक है। यहाँ पे लिख रहा हूं यदि द्विघात समीकरण 3x² - यहाँ पे 4x + 7 = 0 के मूल अल्फा व बीटा हो तो यहाँ पे लिख रहा हूं मैं 1 upon α² + 1 upon β² - α × β इज दिस ठीक क्या है हमारा ठीक है दोस्तों। तो देखते हैं यहाँ पे यहाँ मेरे पास जो इक्वेशन दे दी उसको बात कर लेते हैं पहले तो 3x² - 4x + 7 = 0 दैट मूलों का योग α + β - b/a दैट -4 - - + हो जाएगा 4/3 हो जाएगा ठीक है। α × β दैट c/a एंड यहाँ पे 7/3 क्या हो जाएगा दोस्तों 3 हो जाएगा। हमें यहाँ पे दे रखा है 1 upon α² + 1 upon β² - α × β दैट यहाँ पे मैं दोस्तों इसके आगे यहाँ पे बता देता हूँ ठीक है, या फिर इसको यहाँ पे बता α² और β² क्या हो जाएगा दोस्तों एलसीएम हो जाएगा दैट यहाँ पे β² + α² - α × β इस प्रकार से लिख दिया। नेक्स्ट यहाँ पे α + β² यानी कि यहाँ पे α + β² - 2α β / α + β² और माइनस यहाँ पे अल्फा बीटा इस प्रकार से हमारे पास ये आ जाएगा सॉल्व करने के उपरांत ठीक है। α + β² यानी कि मूलों का योग 4/3 - 2 यहाँ पे हमारे पास 7/3 और यहाँ पे α + β 7/3 एंड माइनस यहाँ पे 7/3 ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट बात कर रहे हैं 4/3 यानी कि यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास लगभग 16/9 - 14/3 यहाँ पे 49/9 एंड यहाँ पे 7/3। नेक्स्ट बात कर रहा हूँ दोस्तों यहाँ पे देखो 9 और 16 - 3 34 यहाँ पे कितना हो जाएगा देखते हैं यहाँ पे 34 42 ठीक है बट्टा यहाँ पे 49/9 माइनस यहाँ पे हो जाएगा 7/3 दैट मींस आगे बात करें तो यहाँ पे माइनस का 26 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा बट्टा यहाँ पे 49 और माइनस 7/3 दैट मींस आगे बात कर रहा हूँ 49 इसका क्या हो जाएगा एक मिनट ठीक है 49 इसका क्या हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे इन दोनों को गुणा करेंगे तो यहाँ पे 147 हो जाएगा ठीक है। इनका अगर सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे माइनस का 421 आएगा इसको सॉल्व करने के बाद और ये क्या रहेगा दोस्तों इसका आंसर आएगा ठीक है। इसको कैलकुलेट करना है और निकालना है आपको ठीक है दोस्तों। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था हमें ये दे रखा था इसको इसमें कन्वर्ट किया α+β में और α.β में कन्वर्ट करना हमारा जो मेनली मकसद होता है ठीक है दोस्तों। बाकी का वो किसी भी प्रकार का क्वेश्चन हो ठीक है। यहाँ पे मैंने द्विघात के लिए बताया ठीक है, आगे त्रिघात के लिए भी बताएंगे चतुर्घात के लिए भी आएगी ठीक है। बहुत ही लंबे चौड़े फॉर्मूले हैं ठीक है दोस्तों, वो आपको जनरली याद रखने की कोशिश करनी है ठीक है। वैसे द्विघात ही चल रहा है अभी इस प्रेजेंट टाइम में ठीक है, त्रिघात भी होता है चतुर्घात भी होता है हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग हम पढ़ेंगे ठीक है। तो इसको एक बार जल्दी साफ कर लेते हैं फिर बाद में नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं ठीक है दोस्तों। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन रहेगा दोस्तों किस प्रकार से रहेगा उसकी भी बात कर लेते हैं, इसको मैं हटा देता हूं यहां से ठीक है दोस्तों। और अगेन यहां पे हमारे पास ऐसा कैसा और क्वेश्चन है ऐसे ही क्वेश्चन है दोस्तों सारे के सारे और आपको इसमें करना है ठीक है। और मेनली दोस्तों कैलकुलेशन से और कैलकुलेशन से आपको ज्यादा से ज्यादा क्या करनी है प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस में लाना है और कुछ नहीं ठीक है दोस्तों। बाकी का इतना कुछ हार्ड नहीं दे रखा अभी अभी तक तो कोई कंसेप्ट हार्ड नहीं है ठीक है, जब आएगा तब देखा जाएगा ठीक है। और वैसे पढ़ने वाले के लिए कोई हार्ड नहीं होता, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करेगा तो ऑटोमेटिक में पहले आंसर आ जाएगा ठीक है दोस्तों।
तो देखते हैं यहाँ पे आगे वाला जो क्वेश्चन है वो किस प्रकार से है, ठीक है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू जीरो के मूल अल्फा व बीटा हो तो यहाँ पे हमें निकालना क्या, देखो दोस्तों अल्फा की पावर फोर बीटा प्लस अल्फा बीटा की पावर फोर इसकी वैल्यू हमें निकालनी, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ अल्फा प्लस बीटा मूलों का योग माइनस बी बट बाई ए, दैट मीन्स यहाँ पे माइनस का ए हो जाएगा, मूलों का गुणनफल यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों सी बाई ए, सी की वैल्यू बी बाई ए की वैल्यू, तो ए की वैल्यू तो बना यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बी हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से हो जाएगा, हमें निकालना गया अल्फा की पावर फोर बीटा प्लस अल्फा और बीटा की पावर फोर, ये हमें निकालना है यहाँ पे, यहाँ से अल्फा यहाँ से बीटा कॉमन ले लेता हूँ, अल्फा और बीटा कॉमन लिया, देखिए यहाँ पे अल्फा की पावर थ्री और बीटा की पावर थ्री बच रहा है, ठीक है दोस्तों, बीटा की पावर कितना बच रहा है थ्री बच रहा है, देखिए अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का फॉर्मूला लग जाएगा और जनरली हमें फॉर्मूला तो पता ही है दोस्तों, यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा और यहाँ पे फॉर्मूला होता है दोस्तों कि अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस थ्री अल्फा बीटा एंड अल्फा प्लस बीटा, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से हमारे पास ये फॉर्मूला था जिसको हमें ध्यान में रखना है, ठीक है। अब इसके अंदर हमारे पास जो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा डॉट बीटा की वैल्यू रख दे, सिंपली हमारे पास क्या आ जाएगा दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या दोस्तों अल्फा डॉट बीटा की बी ब्रैकेट वन अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस ए का होल क्यूब, ठीक है, यहाँ इस होल क्यूब देखो माइनस का तीन अल्फा डॉट बीटा बी एंड यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या दोस्तों दे देगी माइनस का ए दे देगी, ठीक है। दैट मीन्स आगे देखते हैं यहाँ पे बी माइनस का ए क्यूब और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा थ्री ए बी, ठीक है। इस प्रकार से हमारे पास आ गया, यहाँ से देखो कॉमन क्या है दोस्तों, अगर कॉमन लेना चाहे तो ले लेते हैं, ठीक है, यहाँ से कॉमन ले ले या अंदर ले ले कुछ भी कैसे भी कर ले, ठीक है, यहाँ से इतना ही रखे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, इतना ही रहते, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से या फिर देख अपलोड इनटू ऑप्शन हम करना है, अपलोड इनटू ऑप्शन हमें करना है, ठीक है। तो आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आ रहा है दोस्तों ये, और अगर डाउट है तो पूछ सकते हो मुझे बेहिचक, ऐसे नहीं कि हम सर आप तो बोले जा रहे हो, हमारे कमेंट दोस्तों अभी 1% आने में क्योंकि मेरे साथ इतने बच्चे जुड़े हुए नहीं है, ठीक है, मेरे साथ मेरे दोस्त अभी तक जुड़े नहीं है, तो यही रिक्वेस्ट आपसे कि ज़्यादा से ज़्यादा आप देखोगे कमेंट करोगे तो मेरी क्लासेस लाइव भी चलने लग जाएगी, ठीक है। अभी मेरी ऑफलाइन ही चल रही है दोस्तों क्योंकि मेरा अभी सब्सक्राइबर वगैरह कम ही है, जस्ट स्टार्ट की है मैंने, ठीक है। तो देखते हैं नेक्स्ट यहाँ पे आगे वाला जो पोर्शन रहेगा, आगे वाला जो क्वेश्चन रहेगा उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो देखो आगे वाला क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है, द्विघात समीकरण, देखो यहां पे कह रहा है द्विघात समीकरण और द्विघात समीकरण दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू बराबर जीरो के मूलों का अंतर के मूलों का अंतर और मूलों का अंतर एक है तो हो तो हमें निकालना दोस्तों पी स्क्वायर प्लस फोर क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू क्या रहेगा, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे हमें ऑप्शन दे रखे हैं, ऑप्शन हमें इस प्रकार से दे रखे हैं ए प्लस क्यू का होल स्क्वायर, ऑप्शन नंबर बी ए प्लस टू क्यू का होल स्क्वायर, ऑप्शन नंबर सी वन माइनस टू क्यू का होल स्क्वायर, ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दिस। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों मैं यहाँ पे कि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू बराबर जीरो के मूलों का अंतर दे रखा हमें एक तथा हो तथा पी स्क्वायर प्लस फोर क्यू स्क्वायर की वैल्यू निकाले, यहाँ पे मूलों का अंतर दे रखा दोस्तों,
मूल क्या है अल्फा और बीटा, यहाँ पे अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू वन। यहाँ पे अल्फा माइनस बीटा का मैंने फॉर्मूला लिखा था दोस्तों, क्या होता है अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू अंडर रूट अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस फोर अल्फा बीटा, ठीक है, इज इक्वल टू वन हो जाएगा। दैट यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा अल्फा डॉट बीटा यानी मूलों का योग मूलों का गुणनफल निकाल के वो जो फॉर्मूला उसको रख देते हैं, ठीक है दोस्तों, और फिर बाद में इनकी वैल्यू निकाल जाएगी। यहाँ पे क्या करना हमें अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, पहले तो यहाँ पे बात कर लेते दोस्तों, अल्फा प्लस बीटा मूलों का योग क्या है यहाँ पे माइनस का बी बाई ए, दैट मीन्स यहाँ माइनस का पी हो जाएगा, मूलों का गुणनफल सी बाई ए, दैट मीन्स यहाँ पे सी की वैल्यू क्यू बाई ए की वैल्यू वन, इस प्रकार से हो जाएगा। यहाँ पे मूलों का अंतर अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू वन दे रखा है, अल्फा माइनस बीटा की जगह यहाँ पे क्या रख रहा हूँ दोस्तों मैं अंडर रूट अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस फोर अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू वन, ठीक है दोस्तों, दोनों तरफ यहाँ पे वर्क करने के साथ अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू भी मैं पुटअप कर लेता हूँ, ठीक है दोस्तों। दैट मीन्स यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू यहाँ पे माइनस का पी का होल स्क्वायर माइनस चार इंटू अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा यानी क्यू इज इक्वल टू वन पी स्क्वायर, और इधर ये माइनस का चार क्यू, इधर देखिए किसका हो जाएगा दोस्तों प्लस का वन प्लस चार क्यू हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें दोस्तों हमें ऑप्शन दे रहेगा एक प्लस क्यू का होल स्क्वायर, एक प्लस टू क्यू का होल स्क्वायर, एक माइनस टू क्यू का होल स्क्वायर, दैट यहाँ पे एक प्लस दो क्यू प्लस चार क्यू दे रखा है, दैट यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, देखो ए स्क्वायर देखो यहाँ पे ए स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, दैट मीन यहाँ से हम टू ए बी ए स्क्वायर ए का होल स्क्वायर प्लस टू इंटू ए इंटू बी प्लस बी स्क्वायर, दैट मीन्स यहाँ से हम अंदाजा लगा सकते हैं इसको फोर क्यू को, यहाँ पे फोर क्यू को कैसे लिखते हैं टू इज मल्टीपल में टू क्यू लिख सकता हूँ, और ए की वैल्यू यहाँ पे मान लो वन है, बी की वैल्यू यहाँ पे टू क्यू है, ठीक है, दैट यहाँ पे बी बी की वैल्यू फोर क्यू स्क्वायर, दैट मीन्स यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ दोनों तरफ फोर क्यू स्क्वायर एड कर रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे फोर क्यू स्क्वायर हमें ऑलरेडी दे रखा है, पी स्क्वायर में यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ दोस्तों फोर क्यू स्क्वायर दोनों तरफ एड करूंगा यहाँ पे इस प्रकार से, और इधर यहाँ पे जिसकी रिक्वायरमेंट रहेगी वो हमें मिल जाएगा, दैट मीन्स बी स्क्वायर प्लस फोर क्यू स्क्वायर ये हमें चाहिए बी स्क्वायर प्लस फोर क्यू स्क्वायर, और यहाँ पे ए प्लस बी का होल स्क्वायर वापस अगेन पूर्ण वर्ग बन रहा है यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा वन प्लस टू क्यू का होल स्क्वायर, यही हमारे पास ऑप्शन नंबर बी कह रहा है, इस प्रकार से ऑप्शन नंबर बी सॉल्व हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, तो इसमें आपको किसी भी प्रकार का डाउट नहीं होना चाहिए, सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों वो शायद इस क्लास के लिए आज हम लास्ट रखेंगे, अगेन जो अगला जो सेशन आएगा उसके अंदर हम आगे की बातें करते जाएंगे, ठीक है दोस्तों, तो देखते हैं यहाँ पे अगला जो क्वेश्चन है हमारे पास वो किस प्रकार से है, ठीक है, देखते हैं। देखो क्या कह रहे हैं दोस्तों क्वेश्चन एक्स स्क्वायर क्वेश्चन लिख रहा दोस्तों मैं यहाँ पे यदि द्विघात समीकरण द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो के मूल, और इसके मूल हमें क्या देगा दोस्तों साइन अल्फा व कॉस अल्फा है तो बी स्क्वायर माइनस टू सी बराबर क्या होगा, और इसके ऑप्शन दे रखे हैं यहाँ पे, ऑप्शन लिख देता हूँ ऑप्शन ए ए स्क्वायर, ऑप्शन बी यहाँ पे लिख देता हूँ ए, ऑप्शन सी यहाँ पे लिख देता हूँ ए बी, ऑप्शन डी यहाँ पे लिख देता हूँ मैं एक, ठीक है, इस प्रकार से हमें ऑप्शन दे रखे हैं, उसके सॉल्व इस सवाल को सॉल्व करने के लिए क्या करें दोस्तों कोशिश करनी है, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के मूल साइन अल्फा और कॉस अल्फा दे रहेगा, क्या दे रहेगा साइन अल्फा और कॉस अल्फा दे रहेगा, दैट मींस इसको सॉल्व करने की मैं कोशिश कर रहा हूं तो सबसे पहले मूलों का योग वही अल्फा प्लस बीटा, मूलों का योग यहां पे माइनस का बी बाई ए होता है, और मूल अब की बार हमें साइन अल्फा और कॉस अल्फा दे रहेगा, दैट मीन्स यहाँ पे मैं लिख देता हूँ साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा इज इक्वल टू माइनस का बी बाई ए बी बाई ए, एंड यहां पे लिख रहा हूं मूलों का गुणन सी बाई ए होता है, और मूलों का गुणन देट मीन साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा,
साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा इज इक्वल टू सी बाई ए, ठीक है, इस प्रकार से मैंने इनको लिख दिया। अब यहाँ पे हम जानते हैं दोस्तों, यहाँ पे यहाँ लिख रहा मैं, हम जानते हैं और हम क्या जानते हैं देखो दोस्तों कि साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा का होल स्क्वायर, एक मिनट, साइन स्क्वायर अल्फा, एक मिनट, इसमें यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ दोस्तों, साइन स्क्वायर अल्फा एंड कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू वन होता है, ये चीज हम क्या करें दोस्तों जानते हैं। दैट मीन्स यहाँ पे वही वाला अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस टू अल्फा बीटा, दैट मीन्स यहाँ पे वो का वो प्रोसेस हो रहा है यहाँ पे। दैट मीन्स इसकी जगह में क्या लिख सकता हूँ दोस्तों, देखो इनकी जगह में क्या है, यहाँ पे साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा का होल स्क्वायर माइनस टू साइन अल्फा और कॉस अल्फा इज इक्वल टू वन, में ऐसा लिख सकता हूँ दोस्तों। साइन अल्फा की वैल्यू क्या देखो दोस्तों, यहाँ पे साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा की वैल्यू माइनस बी बाई ए का साइन अल्फा प्लस बी मूलों का योग माइनस बी बाई ए का होल स्क्वायर माइनस टू साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा यानी कि यहाँ पे गुणा सी बाई ए इज इक्वल टू वन, ठीक है। नेक्स्ट बात करें दोस्तों इसके आगे माइनस बी बाई ए बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, ठीक है, माइनस यहाँ पे टू सी बाई ए इज इक्वल टू वन, दोनों का यहाँ पे ए स्क्वायर ए स्क्वायर से स्क्वायर बी स्क्वायर एंड यहाँ पे टू ए सी आ जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों वन हो जाएगा, ठीक है। एंड यहाँ पे देखो बड़ा सा इस क्वेश्चन में यहाँ पे टू तो यहाँ पे हमारे पास टू ए सी है, ध्यान रखना, ठीक है दोस्तों, ये टू ए सी है, टू ए सी बच रहा, ठीक है, थोड़ा सा मैं लिखने में कोई प्रॉब्लम होगी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस टू ए सी इज इक्वल टू ए स्क्वायर, और ये कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो रहा है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन था दोस्तों, और आई थिंक आपको इसमें किसी भी प्रकार का डाउट नहीं है, अगर डाउट है तो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और आज का सेशन दोस्तों यही रखते हैं हम, नेक्स्ट सेशन के अंदर हम अगली बातें करेंगे। अगर इस सेशन के अंदर आपको किसी भी प्रकार का डाउट है दोस्तों तो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, एंड अगेन एंड अगेन वही कहना चाहूंगा दोस्तों कि प्लीज सीधा के शेयर और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन क्लिक करें, जिससे कि आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। दैट्स यहाँ पे अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने क्लिक्स जो भी हैं फेसबुक व्हाट्सएप इंस्टाग्राम जहाँ पर जहाँ को जो कोई भी आप सोशल मीडिया का जो ऐप यूज कर रहा है उनके साथ आप शेयर करें, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों, और यही कहना है तो, एंड थैंक यू, धन्यवाद। और आज का संदेश इस प्रकार से है।